लड्डू पेड़ा मिलेगा क्या? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू चैनल। दिस इज आशीष और गुड मॉर्निंग आप सभी को। और सुबह उठे हैं थोड़ा सा, ये अभी फ्रेश ये बात फ्रेश हुए तो अभी हम ब्लैक कॉफी पी रहे हैं, तो पीते हैं। और वैसे भी जो हो गया है तो हम इसमें कितना चम्मच डालेंगे, एक चम्मच डाल रहे हैं आप, सही है। तो वैसे भी जब भी हम ये वैसे भी ब्लैक कॉफी सुबह पीने का आदत उनको निखिल भाई से आया है, ये मुंबई के निखिल, कि हमेशा सुबह में जब भी उठते हैं ना तो खाली पेट ब्लैक कॉफी और एप्पल साइडर विनेगर। वैसे हम ब्लैक कॉफी पी रहे हैं, एप्पल साइडर विनेगर हमारे पास नहीं है, जब भी आएगा तो हम करेंगे। तो जैसे ही होता है हम पीते फिर वर्कआउट करते हैं। A few moments later, कॉफी पी लिए हैं, अब बस हम वर्कआउट करते हैं। तो अपने ये जिम का क्लोथ चेंज करते हैं, तो रेडी, और अब हम वर्कआउट करते हैं। जैसे ही वर्कआउट करते हैं तो सीधा हम नहा के हम सोने जाएंगे, बिकॉज हम ये ठीक से सो भी नहीं पाए रात में, बिकॉज काम बहुत था। तो मिलते हैं वर्कआउट करके। Later. सो के वो गए हैं, और जैसे ही हमने फोन चेक किया तो मेरे एक फ्रेंड है, सो ये सोनू सिन्हा, जिनका चैनल सोनू सिन्हा ओरिजिनल है, वो वीडियो डाले थे कि ये एक क्रिएटर है कैरी मिनाटे, उसका वीडियो डिलीट हो गया था। तो और उनका वीडियो ये डिलीट किस कारण से वो उसको पता नहीं चला, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जैसे ही कैरी मिनाटी का वीडियो देखा, वैसे वीडियो अच्छा था, उसका कोई इशू नहीं था कि और वैसे भी अब तक का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड था यूट्यूब हिस्ट्री के हिसाब से। ये छः घंटे के अंदर 1 मिलियन लाइक्स हो गए हैं, और 6 दिन के अंदर 70 मिलियन व्यूज भी आ चुका है। उनका जब वीडियो आया तो फिर अपना भी लाया था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का। और ऐसे भी मेरा वो मेन टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक ये है कि वैसे भी जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग वैसे भी आप लोग क्या चाहते हैं? एक तो कैरी मिनाटी इतना अच्छे से वीडियो बना रहा है,
और वैसे भी उसको रिपोर्ट करके, और वैसे ही जो रिपोर्ट जो था वो ये साइबर बुलिंग के नाम पर हुआ था उसका वीडियो का, वैसे भी साइबर बुलिंग का वीडियो पहले करना चाहिए था और अभी कर रहे, वो तो इशू नहीं है। और अगर साइबर बुलिंग किए तो आप उसका पहले वाले वीडियो में क्यों नहीं किए हैं? कितना लोगों ने रिपोर्ट किया है? बस एक मिलियन या उससे कम कितना किया है वो मैटर नहीं है। और वैसे भी रिपोर्ट करके आपको क्या मिलेगा? मिठाई मिलेगा, लड्डू पेड़ा मिलेगा क्या? और ये सब मेन फसाद का जो है ना आमिर सिद्दीकी का, हमने सोचा था कि ये वॉर जो है खत्म हो जाएगा, नहीं उल्टा और बढ़ गया है। और सिद्दीकी, फिर उसका T307 का अदनान, फैजू, फिर उसके असनैन, इन लोग वजह से ही। और वैसे भी अभी कुरुक्षेत्र का वॉर शुरू हो गया और आमिर सिद्दीकी का जो कल वीडियो आया था ना, तो और आमिर सिद्दीकी अपने और वीडियो में अपना जो ऊपर वाला पार्ट है अगेंस्ट का स्पेलिंग भी नहीं आता। सोचो बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोल करके अपना तो इज्जत डुबा रहे हो, और अभी इसका कुछ क्लिप दिखाते हैं तो आप लोग देखिए, तो फिर उसके बारे में और बोलेंगे। नटी रोस्टेड आमिर सिद्दीकी, आपने सब लोग ने ये वीडियो देखा, मैंने भी ये वीडियो देखा, मैंने बहुत सपोर्टिंगली लिया, बट क्या किसी को पता है कैरी मिनाटी ने ये रोस्ट क्यों किया? क्यों मैंने वो IGTV वीडियो बनाया था, क्यों मैंने वो IGTV वीडियो डिलीट किया, क्यों मैंने वो IGTV वीडियो के अंदर बड़े बड़े रोस्टर्स लोग को टैग किया, मेंशन किया? और वीडियो चालू करने के पहले मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ गाइज। ये टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब का जो मसला चल रहा है, मैं इसको बढ़ाने के लिए नहीं, इसको ख़त्म करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और सेकंड चीज़, मेरी जो पुरानी IGTV वीडियो में मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, तो वो गलतियों के लिए मैं पहली बात तो ये कि वीडियो तो छोटा बनाना चाहिए था और सॉरी बोल के बात ख़त्म करना चाहिए था, और बढ़ा रहा है अभी, और आगे देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। कि कुछ रोस्टर्स ने कुछ लड़कियों को बहुत गंदी तरीके से रोस्ट किया, उनको गालियां दी और उनको बहुत बुरा भला बोला। मैं गालियां बोलूंगा नहीं, आप लोग प्लीज देखिए। तो ऐसी कुछ रोस्टिंग वीडियोस के बाद वो लड़कियों को लिटरली नेगेटिव DMs, नेगेटिव कमेंट्स और रेप थ्रेट्स आना चालू हो गए। और वैसे भी जो क्रिएटर है, स्पेशली लेडीज क्रिएटर ऑफ टिकटॉक, वैसे भी उनके साथ कुछ हो रहा है, हम भी मानते हैं, उनका भी इशू चल रहा है। भले ही टिकटॉक में अच्छा वीडियोस बनाए या ना बनाए और उसके ऊपर गंदी गालियां या कुछ दे, अब मानते हैं कि ये सब होना नहीं चाहिए। और ये जो बोल रहे हो ना रेप थ्रेट्स, गंदी गाली, ये सब वो तो हो रहा है। और सुनो आमिर सिद्दीकी, ये उनका मैटर है, उसमें तुमको इन्वॉल्व होने का कोई सेंस बनता भी नहीं है, समझ गए? MTV डिजिटल अवार्ड शो हुआ था जिसके अंदर कैरी मिनाटी वॉज अवार्डेड फॉर द बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर सोशल कॉज, और वो टाइम पे मैं आपके बाजू वाले ही टेबल पे बैठा था लकीली, और आपको वो अवार्ड मिला था सोशल कॉज के लिए। तो मेरा ये मोटिव था कि जब जो इंसान को बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर सोशल कॉज का अवार्ड मिला है, तो वो अपने रोस्टिंग कम्युनिटी के छोटे वो एक बार ध्यान से सुनो मिस्टर आमिर सिद्दीकी, और कैरी मिनाटी को जो मिला है ना बेस्ट सोशल अवार्ड MTV की तरफ से, वो उसका गेमिंग चैनल कैरीज लाइफ को मिला है, ना कि रोस्टिंग पर। और जो तुम बगल में बैठे हो ना, और वैसे भी एक वीडियो देखे हो अच्छे काम का, कैरी मिनाटी अपने वीडियो में बोला है कि ये कंटेंट नहीं है, समझ गए? इसलिए ये आमिर सिद्दीकी ने वीडियो जो था आमिर अगेंस्ट साइबर बुलिंग का, इसी की वजह से कुछ जो लोग है टिकटॉकर या उसके बीच वाले लोग है ना, वही लोग ये रिपोर्ट किए साइबर बुलिंग के नाम से। और इनफैक्ट ये कैरी मिनाटी के साथ दो या तीन और क्रिएटर्स थे, एलविस यादव और एक लक्ष्य, और भी कुछ जो थे उसका भी वीडियो डाउन कर दिया था। और वैसे भी ना आमिर सिद्दीकी से बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, घर में बैठे रहो और ज्यादा फुदकने का कोशिश भी मत ओके करो। और वीडियो बना के सुकून नहीं हुआ तो, और उसका
ऑडियो क्लिप है, वो एक ये यूट्यूबर है गौरव अरोरा, जो जो आप जानते होंगे मे बी, वो अर्श बेनीवाल के वीडियो में वो एक्टिंग करता है, उसका भी एक वीडियो आया था आमिर सिद्दीकी का ऑडियो का। और वैसे भी आमिर सिद्दीकी इतना गिर सकता है ना अपने लिए, हम आपको उसका ऑडियो सुनाते हैं जिससे आपको बहुत दुख लगेगा, स्पेशली ऑल द वुमेन्स एंड लेडीज फ्रॉम माय मदर सिस्टर माय फ्रेंड ऑल ऑफ दैट, सो प्लीज वॉच इट। मतलब आज मेरी बजी है तो तुम लोग मजे ले रहे ना, सही है ले लो मजे ले लो, दोस्त लोग ही है तुम लोग, दोस्त लोग मजे नहीं लेंगे तो कौन लेगा। जोक्स अपार्ट, लेकिन जैसा तुम लोग ने बोले कि वो कैरी है, तो भाई कोई भगवान नहीं है, कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है, 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है, अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है। बट इसकी बहन की चूत, अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। और बाकी रमज़ान था इसके लिए चुप बैठा था, गाली गलौज नहीं कर रहा था, लेकिन अब करूँगा मैं रमज़ान के बाद जो ट्रैक रेडी कर रहा हूँ ना उसके लिए। तो ये भड़वे को बताऊंगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में PhD करके बैठे हम लोग ने, तो इसके कान से खून निकाल के इसकी नई माँ छुदाना, मेरा नाम आमिर नहीं। वीडियो में पॉइंट देने ही नहीं वाला हूँ ना, सिर्फ गाली दे रहा हूँ ना मैं भड़वे को, उसको तो ऐसी ऐसी गाली दूंगा ना बंटा है, उसको तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी माँ को क्या कुत्ते ने चोदा था क्या, जो तू कुत्ते की तरह भोंकते रहता है यहाँ पे यूट्यूब पे भड़वे। और फिर ये एक पॉइंट हो गया, फिर एक पॉइंट रहेगा कि कैरी मिनाटी सोच, कल को तेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे और टीचर पूछेगी कि तेरा बाप क्या करता है, तो तेरा बच्चा टीचर को क्या बोलेगा कि लोगों की माँ चोदता है और गाली गलौज करता है मेरा बाप। ये ऐसे रहेंगे, बहुत कुछ रहेगा। आप लोग ने तो ये ऑडियो सुन लिया होगा, ऐसे भी मेरा मन नहीं था, लेकिन इतना गिर सकता है ना, समझ में नहीं आता है। और जहाँ तक बात है अपना डिस्ट्रैक्ट लाने का, लाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैरी मिनाटी पे लाओ या किसी क्रिएटर पे लाओ, हमको वो इशू नहीं है। और जहाँ तक बात है तेरा और कैरी मिनाटी का, कैरी मिनाटी के बच्चे का उसके टीचर क्या पूछेंगे, वो कुछ भी पूछे, ऐसे भी कैरी मिनाटी एक ना एक दिन तो सक्सेसफुल आदमी बन जाएगा, लेकिन तुम अपना देखो ना। और क्या बोला था, रमजान के टाइम में हम गाली गलौज नहीं कर रहे, हम रमजान के बाद जितना करेंगे और डिस्ट्रैक्ट लाएंगे। अभी तो तुम कर रहे हैं ना ये गाली गलौज रमजान के टाइम में। और जहाँ तक बात है ये गाली का PhD का, क्या इसमें कौन सा ये डिग्री मांगता है, एक तो बिलो स्टैंडर्ड वाला, मतलब 10th 12th वाला स्टैंडर्ड का तुम ये बता रहे हो। और वैसे भी ये मेरा मोटिव था, हम एज अ ब्लॉगर हम ब्लॉग बनाते रहेंगे, बस आप लोग की तरफ से इसका सच्चाई लाना है, और इसको इतना गिराएंगे ना समझ भी नहीं पाएंगे। और यही बोलना चाहूंगा कि वैसे भी एलविस यादव का वीडियो वापस आ गया, लेकिन कैरी मिनाटी का नहीं आया। और आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो करते होंगे, तो ये मेरा ID है @vlogs, तो हम पोस्ट डाले थे। और वैसे भी कैरी मिनाटी अपने ट्विटर में और इंस्टाग्राम में बोल दिया था कि मेरा वीडियो डिलीट ये बैन हो गया है और वापस भी नहीं आ सक रहा है। इट्स ओके, ये लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव बहुत आते रहेंगे। और वैसे भी वीडियो डिलीट हुआ है, लेकिन सपोर्ट डिलीट नहीं हुआ है, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। और एक ना एक दिन अगला जो वीडियो आएगा ना, उस पर बहुत धमाल मचा देना, यही सबका है। और इसी के साथ आप ये स्पेशली कैरी मिनाटी, आपको मेरे तरफ से लव यू 3000 एज आयरन मैन से। तो ये था आज का, अब ये लास्ट वीडियो है, इसके आगे अगर कुछ होता तो हम बनाएंगे, यानी तो हम वापस ब्लॉग लाएंगे। तो इसी के साथ अगर वीडियो यहाँ तक देख लियो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना इस आमिर सिद्दीकी के बारे में और पूरा टिकटॉक के बारे में। और हम पोल दे रहे हैं कि आपको क्या पसंद है, टिकटॉक या यूट्यूब। और साथ और
और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए और घंटी जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। सो बाय, पीस आउट एंड ऑल्सो स्टे होम, स्टे सेफ, मेंटेन योर सोशल डिस्टेंस। सो बाय। @ आशीष येस ब्लॉग, एस येस ब्लॉग, सॉरी।